कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बख्शीपुर पावर हाउस के पास से उचक्कों ने एक सोपारी व्यापारी की डिग्गी से 70,000 रुपए उड़ा दिए। व्यापारी की सूचना पर पहुंची मुकामी पुलिस छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोपारी व्यापारी प्रमोद कुमार कैडिया दुकान बंद करके अपने घर बख्शीपुर पहुंचे थे और कुछ सामान घर के अंदर रख कर जब डिग्गी से रुपए निकालने गए तो रुपया गायब था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरदुर्ग मोहल्ला में एक सुपारी व्यवसायी है, उनके स्कूटर के सीट के नीचे से लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये चोरी करने की बात प्रकाश में आई है। व्यवसायी का यह कहना है कि जब वो डिग्गी खोल के कुछ सामान लेके घर के अंदर गए और दोबारा जब डिग्गी खोला उन्होंने तो उसमें पैसे से बड़ा बैग नहीं था, न तो उन्होंने पैसा निकालते किसी को देखा है, न किसी को उठाते देखा हुआ। तो उनकी शिकायत को संज्ञान में लेकर इसकी जाँच की। उनके घर के दरवाजे से मामला किया? हाँ, उसे दरवाजा भी कह सकते हैं, गली भी कह सकते हैं।